वेस्ट बंगाल में टोटल कितना प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस है, वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में कितना स्टेट कोटा का सीट्स है, कितना मैनेजमेंट कोटा है, कितना एनआरआई कोटा का सीट्स है। अगर आप दूसरे कोई स्टेट से वेस्ट बंगाल पे अप्लाई करना चाहते हैं तो कौन से कोटा के थ्रू आपको अप्लाई करना पड़ेगा, ये सारा सवाल का जवाब मैं आज इस वीडियो पे देने वाली हूँ। सो हाई, आई एम अनुरूपा रक्षित, एन एकेडमिक काउंसलर ऑफ स्पाइस एडुकेयर। सो वेलकम बैक टू एन अनदर न्यू वीडियो। पहले आते हैं ऑल इंडिया काउंसलिंग के बारे में। ऑल इंडिया काउंसलिंग को दो हिस्से में डिवाइड किया जाता है, नंबर वन ऑल इंडिया कोटा एंड नंबर टू स्टेट कोटा। अगर मैं 100% में से बात करूं तो ऑल इंडिया कोटा का रहता है सिर्फ 15%। अगर आप दूसरे कोई स्टेट से, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो हरियाणा हो या फिर जो भी स्टेट हो, अगर आप दूसरे कोई स्टेट से वेस्ट बंगाल पे अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको वो 15% के थ्रू ही अप्लाई करना पड़ेगा। दूसरा आता है जो कि है स्टेट कोटा, जिसका रहता है टोटल 85%। पर यहाँ पे आपको एक चीज गौर से सुनना है कि स्टेट कोटा के लिए कौन से बच्चे एलिजिबल होते हैं। जिसके पास स्टेट का यानी कि सिर्फ वेस्ट बंगाल का ही डोमिसाइल है, वही बच्चे सिर्फ एलिजिबल है स्टेट कोटा के लिए, जो कि आप लोग अप्लाई कर सकते हैं टोटल 85%। तो ये तो रहा ऑल इंडिया कोटा एंड स्टेट कोटा के बाद। अभी आते हैं वेस्ट बंगाल प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस का सीट मैट्रिक्स के बारे में। तो कितना प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है हमारे वेस्ट बंगाल में? टोटल 9 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है हमारे वेस्ट बंगाल में, और सभी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में टोटल 3 कोटा होता है, नंबर 1 स्टेट कोटा, नंबर 2 मैनेजमेंट कोटा एंड नंबर 3 एनआरआई कोटा। तो चलिए पहले बात करते हैं स्टेट कोटा को लेके और स्टेट कोटा के लिए कौन से बच्चे एलिजिबल है उसको लेके। स्टेट कोटा को वेस्ट बंगाल में सेमी गवर्नमेंट कोटा भी बोला जाता है। टोटल 100% सीट में से 33% रिजर्व रहते हैं स्टेट का जो डोमिसाइल का बच्चे है उसके लिए। तो आप अगर स्टेट काउंसलिंग करा रहे हैं तो आपके पास स्टेट का डोमिसाइल रहना मैंडेटरी है। तो अगर हम लोग ये 33% को छोड़ देंगे स्टेट कोटा के लिए तो बच के रहता है टोटल 67%। ये 67% है प्राइवेट सीट्स, जिसमें से मैं अगर आऊ मैनेजमेंट कोटा के बारे में तो मैनेजमेंट कोटा के लिए रहता है 52%। यानी कि सभी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में 100 सीट्स के अंदर 52% रहेगा मैनेजमेंट कोटा के लिए। और लास्ट जो है, जो कि है एनआरआई, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉन रेसिडेंट इंडियन, ये इसके लिए है टोटल 15%। यानी कि टोटल 100% में से इसका सीट्स बचता है टोटल 15%। तो ये रहता है परसेंटेज ऑफ सीट मैट्रिक्स ऑफ प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस। अभी आते हैं हर एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में कितने करके सीट्स है, कितने करके मैनेजमेंट सीट्स है, कितने करके एनआरआईक्यू है, कितने करके एसक्यू है, ये सब के बारे में। वेस्ट बंगाल में ये जो टोटल 9 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस है, इसमें से टोटल सीट्स कुछ कुछ मेडिकल कॉलेजेस का है 150 एंड कुछ कुछ मेडिकल कॉलेजेस का है 200। तो मैं आप लोगों को सारे जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस है उसका नाम, उसका लोकेशन, उसका एस्टेब्लिशमेंट है ये तो बताऊंगी, साथ ही साथ एक एक करके एग्जाम्पल भी दूंगी कि अगर कोई कॉलेज पे 150 सीट्स है तो उसमें से कितना हो सकता है स्टेट कोटा, कितना मैनेजमेंट कोटा एंड कितना एनआरआई कोटा, और जो जो कॉलेजेस में 200 सीट्स है टोटल उसमें से कितना स्टेट कोटा हो सकता है, कितना मैनेजमेंट कोटा और कितना एनआरआई कोटा। तो चलिए बात करते हैं हमारे वेस्ट बंगाल का जो सबसे ओल्डेस्ट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है उसको लेके। हमारे वेस्ट बंगाल का सबसे ओल्डेस्ट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है केपीसी मेडिकल कॉलेज, जो कि लोकेटेड है जादवपुर में। इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर है 2008। तो बात करते हैं अभी केपीसी का सीट मैट्रिक्स को लेके। यहाँ पे टोटल 150 सीट्स है, जिसमें से स्टेट कोटा के सीट्स रहता है 50, मैनेजमेंट कोटा का सीट्स है 77 एंड एनआरआई कोटा का सीट्स है ओनली 23। तो केपीसी को छोड़ के बाकी जो जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस का 150 करके सीट्स है उसका सीट मैट्रिक्स ऐसे ही सेम टू सेम रहेगा। तो चलिए अभी बात करते हैं वेस्ट बंगाल का जो सबसे हाईएस्ट डिमांडिंग प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है उसको लेके, जो कि है जगन्नाथ गुप्ता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड हॉस्पिटल, जो कि लोकेटेड है बोझबोज में। इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर है 2016। जगन्नाथ गुप्ता का टोटल सीट्स है 200 सीट्स, जिसमें से स्टेट कोटा के सीट्स है 66, मैनेजमेंट कोटा के लिए है 104 एंड एनआरआई कोटा के लिए है ओनली 30। जगन्नाथ गुप्ता में टोटल सीट्स है 200। तो जगन्नाथ गुप्ता को छोड़ के वेस्ट बंगाल में बाकी का जो जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में टोटल 200 सीट्स है उसका सीट डिवाइडेशन सेम एज जगन्नाथ गुप्ता ही रहेगा। तो चलिए बाकी का जो 7 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस है उसका टोटल सीट्स के बारे में जान लेते हैं। नेक्स्ट मेडिकल कॉलेज आई केयर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस एंड रिसर्च, ये लोकेटेड है हल्दिया में। इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर है 2010। ये हमारे वेस्ट बंगाल का सेकेंड ओल्डेस्ट मेडिकल कॉलेज है, जहाँ पे पीजी कोर्सेज भी अवेलेबल है। तो इसमें टोटल सीट्स है 150।
नेक्स्ट आते हैं दुर्गापुर का, जो टोटल 3 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है जो कि लोकेटेड है दुर्गापुर में, वो 3 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का सीट मैट्रिक्स को लेकर। सो दुर्गापुर में जो कॉलेज सबसे अच्छा है वो है IQCT मेडिकल कॉलेज, जिसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर है 2013 और ये लोकेटेड है दुर्गापुर में, और IQCT का टोटल सीट्स है 200 जो कि है सेम एज जगन्नाथ गुप्ता। नेक्स्ट आते हैं गौरी देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड हॉस्पिटल, जिसका भी लोकेशन है दुर्गापुर में, इसका टोटल सीट्स है 150 जो कि है सेम एज KPC, और ये भी काफी अच्छा कॉलेज है, इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर है 2016। एंड नंबर 3 श्री रामाकृष्ण इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड शनाका हॉस्पिटल, जिसका हॉस्पिटल को हम लोग शनाका बोल के जानते हैं, इसका टोटल सीट्स है 200 जो कि सेम एज जगन्नाथ गुप्ता, ये भी लोकेटेड है दुर्गापुर में, और साथ ही साथ इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर है 2019। तो दुर्गापुर में ये रहा टोटल 3 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस जो कि है IQCT, गौरी देवी एंड शनाका। नेक्स्ट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है वो है शांति निकेतन मेडिकल कॉलेज, जो कि लोकेटेड है बोलपुर में, जिसका लोकेशन बहुत ही अच्छा है, साथ ही साथ इसका इंफ्रास्ट्रक्चर फैकल्टी भी बहुत अच्छा है। तो इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर है 2021 और इसका भी सीट्स है 150। तो चलिए आते हैं लास्ट 2 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के बारे में, जिसके एस्टेब्लिशमेंट ईयर है जस्ट पिछले साल ही 2023 में आया था ये दोनों न्यू कॉलेज। नंबर 1 है JIS स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेस एंड रिसर्च, जिसका लोकेशन है शात्रागाछी हावड़ा, और इसके एस्टेब्लिशमेंट ईयर है 2023, इसका टोटल सीट्स है 150। नेक्स्ट जो कॉलेज प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है वो है JMN मेडिकल कॉलेज, जिसका लोकेशन है नदिया चाकदा में, इसका भी टोटल सीट्स है 150, इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर है पिछले साल यानी कि 2023 में। तो नया यही दोनों कॉलेज है जिसका सीट सेम सीट्स है वो है 150 टोटल सीट्स है ये दोनों कॉलेजेस पे ही। अगर मैं अभी बात करूं टोटल प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को सीट को लेके, तो टोटल ये 9 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस का स्टेट कोटा, मैनेजमेंट कोटा, NRI कोटा को लेके टोटल सीट्स है 1500 यानी कि 1500 सीट है। अभी बस आप ही सोचिए कि अभी इस बार 2024 में वेस्ट बंगाल में कितना बच्चा नीट क्रैक किए है, और बस सीट आपको प्राइवेट में मिलेगा 1500। जो जो बच्चे को गवर्नमेंट नहीं मिलेगा वो सभी बच्चे को प्राइवेट में ही ट्राई करना पड़ेगा, तो प्राइवेट में सीट तो लिमिटेड है। तो देर किस बात का है, आज ही आप अपना डिसीशन लीजिए। अगर डिसीशन मेक करने में प्रॉब्लम हो रहा है, कोई गाइड चाहिए तो कांटेक्ट कीजिए पाइस एडुकेयर से। मैं अभी आज जो 9 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को लेके इस वीडियो पे बात की हूँ, उस 9 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में अगर आप कोई भी मेडिकल कॉलेज में प्री बुकिंग करना चाहते हैं तो जल्दी आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा पाइस एडुकेयर के साथ, बिकॉज वी बिलीव योर सक्सेस इज आवर एम। सिर्फ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ही नहीं, बल्कि अगर आप चाहते हैं गवर्नमेंट में काउंसलिंग कराने के लिए, प्राइवेट में काउंसलिंग कराने के लिए, काउंसलिंग के टाइम पे प्रॉपर गाइडेंस आपको चाहिए तो आप कांटेक्ट कीजिए हमारे साथ। तो इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा या फिर आप को ये वीडियो देख के अपनी काउंसलिंग पे कोई भी गाइडेंस मिला है तो जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। और अगर आपने अभी तक पाइस एडुकेयर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात का है, जाइए और सब्सक्राइब कीजिए, और उसके बगल में जो एक छोटा सा बेल बटन रहता है उसे भी क्लिक कीजिए ताकि आपको सारा डिटेल, सारा इंफॉर्मेशन मिल सके। तो चलिए आज इतना ही, मिलते हैं अगले कोई दिन में अगले कोई टॉपिक लेके। और अगर आपको कोई स्टेट के काउंसलिंग के बारे में जानना है, काउंसलिंग के कुछ भी जानना है, तो जरूर आप कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर सकते हैं कि आपको कौन सी टॉपिक पे वीडियो चाहिए। मैं कोशिश करूंगी वो टॉपिक को लेके वीडियो बनाने के लिए। आज इतना ही, नमस्ते।